तो धर्मांतरण के खिलाफ धामी का धर्म युद्ध, यह जिक्र और आज फिक्र क्यों? मसला धर्मांतरण कानून को लेकर तेज हुई सियासत से जुड़ा है, विपक्ष को मंशा पर शक है। मुद्दा क्या है, पहले जरा इस रिपोर्ट को देखिए फटाफट और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। क्या है विवाद और क्यों विपक्ष शक जता रहा है जबकि धर्मगुरु कह रहे हैं कि जियो धामी। देखिए जरा, उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र भले ही दो दिनों का हुआ हो, लेकिन यह सत्र कुछ ऐसा हुआ कि यह सत्र उत्तराखंड के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि महिलाओं का 36 आरक्षण के साथ साथ उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 इस सत्र में पास हुआ, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर भी जारी हो गया। बीजेपी धर्मांतरण निषेध विधेयक को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बता रही है, तो वही कांग्रेस इसे तुष्टिकरण की राजनीति का नाम दे रही है। दूसरी तरफ सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इस कानून को देश के लिए नजीर बता रहे हैं। हम कहते हैं व्यक्ति को अपने धर्म में रहते हुए अपने धर्म की अच्छी बातों को आगे लेके जाना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। सारे धर्मों को मानने वाला देश है भारत। हम आपसी सौहार्द को, गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखना चाहते हैं और जबरन धर्मांतरण की बात करने वाले बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रही जबरन, क्या स्वेच्छा से करेंगे, उसको स्वीकार करने की तैयारी में है। अधिनियम की धारा 3 में ये स्पष्ट किया गया है कि धर्म परिवर्तन किन परिस्थितियों में मान्य है और किन में नहीं है। इसके साथ साथ जबरन धर्म परिवर्तन की स्थिति में कोई व्यक्ति की जो है 2 साल से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है और 25,000 रुपये का जुर्माना है। अवयस्क महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला का धर्म परिवर्तन करने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष की सजा एवं 25,000 रुपये का जुर्माना है। सामूहिक धर्म परिवर्तन की दिशा में 3 से 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानून आज पारित हुआ है। धर्मांतरण विधेयक को लेकर धामी की तारीफ सिर्फ सत्ता के गलियारों में ही नहीं हो रही, बल्कि महामंडलेश्वर और धार्मिक गुरुओं के द्वारा भी की जा रही है। धार्मिक गुरु और महामंडलेश्वर ने इन कानून को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बड़ा कदम बताया है। मैं अत्यंत आनंदित और आह्लादित हूँ। पूरा संत समाज और भारत में एक विशेष प्रकार का उत्साह है। तो संत समाज की प्रतिक्रिया हम आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ विपिन कैंथोला जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता है, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। राजेश चमोली जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत जो कि प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चमोली जी आप ही से शुरुआत कर लेता हूं, आपके प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन रहा था मैं, क्यों इतना खफा है, क्यों इतना नाराज है? जबरन धर्मांतरण कानून सरकार लेकर आई है, शक क्यों है आपको सरकार की नीयत पर? देखिए तिलक जी, हमें इस बात पर कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। कैसे? आप देखिए धर्मांतरण जो कानून है वो आज पहली बार नहीं बना हुआ है। पूर्व भी ये मतलब कानून था, उड़ीसा में पहला राज्य है देश का जिसमें 1967 में कानून बना, उसके बाद 68 में एमपी में बना, अरुणाचल में बना, 78 में, 2000 में आपका छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल, तमाम राज्यों में ये कानून ऑलरेडी था। लेकिन और वो उसमें प्रावधान था कि भाई 2 साल से 5 साल की सजा का था, आपने उसको किसी में 10 कर दिया, किसी में 7 कर दिया, या आपका आपने उसमें उसमें बढ़ोतरी की, हमें इसमें कोई आपत्ति। लेकिन जबरन धर्मांतरण अगर देखा जाए, अभी अगर पूछा जाए भाजपा सरकार से, अभी मैं 7 नवंबर की बात करूं तो काशीपुर में 300 लोगों ने, भोगपुर गांव है वहां पे 300 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है। नहीं नहीं वो ठीक है, मैं काशीपुर वाला मसला पूछ लूंगा, मुझे ये बताइए आपको दिक्कत क्या है? अगर सरकार कर रही है तो करने दीजिए, क्या समस्या है? हमें क्या दिक्कत है? हम तो चाहते थे कि राज्य में बहुत सारे कानून बने। आप अगर कानून बनाना चाहते हैं, आपको याद होगा 2018 मई में बहुत बड़ा समाचार पत्रों में तमाम चैनलों में चलाया कि देश में पॉक्सो कानून में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है और किसी लड़की के साथ अगर रेप होगा पीड़िता के साथ उसको 2 महीने के अंदर मतलब उसको सजा का प्रावधान दिया गया फांसी का। क्या 2018 से लेकर मेरे भाजपा के लोगों से पूछा विपिन कैंथोला जी, 2018 में जो आपने मतलब संशोधन किया था, क्या उस पॉक्सो में कोई कोई केस ऐसा हुआ जिसमें आपने फांसी दी हो? आप बता दीजिए। ओके राजेश, राजेश एक एक करके प्लीज, वक्त कम है इसलिए इसलिए हो गए। आप सुन लीजिए ना चमोली जी, चमोली जी एक मिनट आप सुन लीजिए ना, विपिन कैंथोला जी इनको आपकी नियत पर शक है, संदेह है, ये कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए, तुष्टिकरण करने के लिए आप इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, आपकी प्रतिक्रिया?
नमस्कार तिलक भाई, सभी को मेरा नमस्कार, पैनल में सभी हमारे मित्रों को। देखिए, कांग्रेस की तो मंशा शुरू से रही है तुष्टिकरण की राजनीति। कौन इस देश में करता है और कितने सालों से तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती चली आ रही है, ये देश की जनता भी जानती है और उत्तराखंड की जनता भी जानती है। और तिलक भाई, अभी तो जुमे जो कुछ समय नहीं बीता है, अभी तो एक साल भी नहीं बीता है 2022 के इलेक्शन को, जो तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस प्रदेश के अंदर कर रही थी। एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात इनके पदाधिकारी ने की, उनका पदाधिकारी तो इन्होंने निकाला भी नहीं उसको चुनाव में। तो ये तुष्टिकरण की बात करने वाली कांग्रेस को क्या बात करती है, क्या नहीं करती है, पूरे देश की और प्रदेश की जनता जानती है। और अगर जो तुष्टिकरण की राजनीति न करती कांग्रेस, तो इतने बुरे हाल ना होते आज कांग्रेस के पूरे देश के अंदर। नहीं, ऐसी कौन सी, मतलब मैं भी समझना चाह रहा था, क्योंकि ठीक है वो विपक्ष अपनी जगह है, लेकिन जनता को ये बताइए, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि एकाएक आप इस कानून को लेकर आ रहे हैं? क्या हुआ ऐसा उत्तराखंड में, या कोई एकाएक मामले बढ़ रहे थे, क्या हो रहा था ऐसा, और बढ़ रहे तो कितने मामले ऐसे आए थे? देखिए तिलक भाई, अभी इन्होंने खुद ही एडमिट किया काशीपुर का मामला, इन्होंने खुद ही कहा ना अभी कांग्रेस के मेरे मित्र प्रवक्ता ने कि ऐसा हुआ। तो जो इस प्रकार की चीजें हैं, जो इस प्रकार के वाकये हैं, नहीं, ये ड्राफ्ट तो बहुत पहले से तैयार हो रहा था, ये तो आपने अपने विजन डॉक्यूमेंट में लेकर आए थे ना कि आप ये कानून लेकर आएंगे, तो काशीपुर की घटना तो अभी हाल फिलहाल में हुई है। देखिए तिलक भाई, आप इतने वर्षों से उत्तराखंड को कवर करते हैं, आप इतने वर्षों से, मैं तो अभी 3-4 साल से प्रवक्ता हूँ, मुझसे पहले भी आप सब कई प्रवक्ता आए हैं, कई बने हैं, उन वो लोग भी आपकी डिबेट में आए होंगे, आप लंबे समय से उत्तराखंड को देखते हैं। देखिए तिलक भाई, मैं खुद आपको ये बताऊं कि देखिए इस राज्य के अंदर जिस प्रकार से ज्योग्राफिकल चेंज हो रहा है, और ये उत्तराखंड के इसके लिए अच्छा नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं जिस प्रकार से पहाड़ों के अंदर अन्य धर्मों के लोगों के जो धर्मस्थल है वो बड़ी तेजी से बन रहे हैं, इसको लेकर के सरकार गंभीर है, इसमें भी गंभीर है, क्योंकि देखिए तिलक भाई, हम दो इंटरनेशनल बाउंड्रीज से जुड़े हुए हैं, चाइना की बाउंड्री से जुड़े हुए हैं, हम नेपाल से जुड़े हुए हैं, ये देवभूमि है, ये उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड देखिए तिलक भाई, विश्व के अंदर जितने भी सनातनी रहते हैं, सनातनी संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, उनकी आध्यात्मिक राजधानी है, यहाँ पर केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। ठीक, आपको पॉइंट आगे विपिन जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, उमा जी को ले आऊं जरा चर्चा में। उमा जी, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना विपिन जी, अगर खतरे की घंटी को महसूस करते हुए भी सरकार ना सचेत हो तो फिर आप उस पर तुष्टिकरण की जो है वो तोहमत लगा देंगे, लेकिन सरकार कह रही है कि ये भौगोलिक परिस्थितियां सबके सामने हैं। देखिए भौगोलिक परिस्थितियां सबके सामने हैं, इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि इसमें से जबरन धर्मांतरण कहां से आ गया। मैं खुद भाई के साथ एक बार एक डिबेट पे थी, जो डिबेट थी कुछ मजारों के ऊपर डिबेट थी कि लगातार हमारे जंगल में मजारे बन रही हैं और उस पर रोक लगनी चाहिए। उसमें मैंने खुद कहा था कि हाँ, उस पर रोक लगनी चाहिए, हमारी जो सरकारी संपत्ति है उसमें ना कोई मंदिर बने, ना कोई मजार बने, ना कोई मतलब मंदिर बने ना मस्जिद बने, सरकार की जो संपत्ति है उसमें कोई इस तरह का एनक्रोचमेंट होना नहीं चाहिए। मैं खुद उस डिबेट पे थी और मैंने खुद उस पर बोला था कि ये जो मजारे बन रही है, सरकार अगर इनको हैंडल कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इस तरह का ना उत्तराखंड में अभी क्या है कि हम लोग UK SSS का इतना बड़ा मुद्दा है, पूरी विपक्ष, पूरी जनता CBI जांच की मांग कर रही है, अंकिता भंडारी का इतना बड़ा केस है, इन सब चीजों को दरकिनार करके जब आप ये धर्मांतरण कानून लेके आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो पीछे छूट गए हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। लेस इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको आप धर्मांतरण कानून का विरोध करते हैं जी, आप इस कानून का विरोध कर रहे हैं? देखिए हम इस कानून का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं फिर कहना चाहूंगी। नहीं तो आप विरोध भी कर रहे हैं, आप कह रहे चित भी मेरी और पट भी मेरी, उत्तराखंड की जो दूसरी समस्याएं थी उन नहीं, आप विरोध भी नहीं कर रहे और विरोध भी कर रहे हैं, कानून की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं थी। यानी आप ये कह रहे हैं कि कानून लेकर आना चाहिए था, लेकिन आप 5 साल बाद भी ला सकते थे, आप मुझे ये कह रही हैं? मैं सिंपली ये कह रही हूँ कि इससे बड़े मुद्दे उत्तराखंड में मौजूद थे, उन पर पहले फोकस होना चाहिए था। आप लोगों ने 2 दिन आप लोगों ने संसद चलाई, 2 दिन विधायिका चलाई, उसके बाद आपने विधानसभा भंग कर दी, कहते हैं हमारे सारे काम पूरे हो गए, विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों की बात ही नहीं रखता है। आप फटाफट आए, आपने 2-3 कानून जल्दी जवाब दीजिए, उसके बाद आपने कहा कि हमारा काम बंद हो गया। तो इस तरह की जो हरकतें उत्तराखंड में इस तरह बीजेपी सरकार की है वो ठीक नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, ये 5 दिन नहीं, सवाल वैलिड है, 5 दिन का सत्र था, आप 2 दिन में निपटा देते हैं, फिर कहते हैं कि भैया बिजनेस नहीं था हमारे पास, बिजनेस कहां, सरकार ही तो क्रिएट करेगी बिजनेस, या फिर विपक्ष क्रिएट करेगा उसको। देखिए तिलक भाई, सदन चलाना और विधानसभा चलाना, विधानसभा क्षेत्र का जुरिडिक्शन है, वो एक पीठ है, वो संवैधानिक पद है, और जितना
जो जितने हमारे काम थे, जितने हमारे विधेयक थे, सब तमाम सदन के पटल पे आ गए थे, चर्चाएं भी नहीं विपक्ष के। अब मैं देखना, आप लिंक देखिए ना, विपक्ष के नेताओं ने जो जो बातें आनी थी उनकी बातें आई हैं, जो जो उन्होंने कहना था उसको उन्होंने कहा है। आपके अपने विधायक सर सवाल नहीं उठा पाए, मंत्री ना जवाब दे पाए, सबके जवाब आ गए थे, सबके लिखित भी जवाब दिए जाते हैं, सदन की अपने काम करने की परंपरा है। लेकिन अब ये उमा सिसोदिया जी क्या इसमें धर्मांतरण में बोलेंगी, दिल्ली के अंदर इनकी आम आदमी पार्टी के मंत्री ने किस प्रकार से सामूहिक धर्मांतरण परिवर्तन किया, किसको नहीं पता है, किसने नहीं देखा है, अब तक पार्टी से भी बर्खास्त नहीं किया। ये तो केवल और केवल चुनाव के टाइम में राम हनुमान इनको याद आते हैं, और ये बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, उमर जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। अब आप दिल्ली में, तो दिल्ली में आज तक आपने आम आदमी पार्टी से हटाया गया उसको, हटाया गया राजेंद्र पाल गौतम को, हटाया गया केजरीवाल ने, जाकर के कंठी की माला पहन करके बनारस में कह दें राम मंदिर, जब कहें कि राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, मेरी नानी ने कहा, आज देख रहे हैं, आज ये परिस्थितियां हो गई है कि सनातनियों की और सनातन संस्कृति की बात विपक्ष को करनी पड़ रही है, और कांग्रेस तो क्यों ना, कांग्रेस के पेट में दर्द हो, मेंटिनो परिवार के प्रति जो इनकी आस्था है, मेंटिनो भैया अपने देखो, अपने देखो, आस्था है, अंकिता भंडारी हत्या कांड में तुम्हारा नेता का पुत्र श्रद्धा के मामले में आपकी दीदी कहां चले गई, लड़की हूँ लड़की कहां गई, मर्दा के मामले में कुछ बोला आपकी दीदी ने, जरा बता दो, नैतिकता हमें पढ़ा रहे हो, देश के अंदर कर्म करो, लड़की हूँ लड़की हूँ विकास करने वाली, आज बताओ ना चले गई मुंबई गई क्या, एक मिनट राजेश भाई, एक मिनट आपकी दीदी गई मुंबई, विपिन जी प्लीज, राजेश जी प्लीज, एक एक करके महंगाई में, अगर जो तुष्टिकरण की बात होगी तिलक भाई, तुष्टिकरण की बात होगी, अन्य धर्मों की बात होगी, तो कांग्रेस बनाने में आगे आ जाएगी। राजेश विपिन, एक एक करके प्लीज, प्लीज ये वॉइस मैच नहीं ना, एक मिनट राजेश जी प्लीज, विपिन जी प्लीज, ऑडियो नीचे, एक मिनट प्लीज, ऐसे नहीं, बीच में नहीं बोला, लगी ना एंटीनो परिवार के प्रति जो आस्था है, आप डिबेट डिरेल कर रहे हैं, विपिन जी आप डिबेट डिरेल कर रहे हैं, प्लीज राजेश जी, राजेश भाई प्लीज, राजेश भाई, विपिन जी आप जानते हैं मैं इस तरह की चर्चा नहीं करता, प्लीज एक मिनट विपिन जी राजेश जी, ऑडियो नीचे, राजेश जी का भी और विपिन जी का भी ऑडियो नीचे, विपिन जी प्लीज, राजेश जी आप लोग जानते हैं मैं इस तरह की चर्चा नहीं करता, प्लीज एक एक करके मैं पूरा मौका दूंगा, आप तीनों ही तो हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइए राजेश जी, इस पूरे मसले के भीतर आपका स्टैंड क्या है, यह बताइए कि आप इस कानून के समर्थन में हैं या फिर विरोध में हैं, सीधा सीधा यह बताइए राजेश जी। नहीं देखिए, हमने कहा ना कानून, वही बात सुनिए, क्या पहली बार कानून बनाया, हम यही कह रहे हैं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप समर्थन में या विरोध में है, या तो समर्थन में होंगे या विरोध में होंगे। तिलक भाई देखिए, आप मेरे से पूछे समर्थन में क्या बीजेपी ने पहले मतलब जो हमने पहले नियम कानून बनाया, क्या उनका विरोध किया गया, सबका विरोध किया, जितने भी नियम कानून बने, आप सर घुमा रहे हैं मुझे, आप मुझे घुमा रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ समर्थन में या विरोध में। मुद्दा क्या है इस राज्य का, मुद्दा भ्रष्टाचार सबसे चरम पे है, हम कह रहे हैं 8 महीने के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में 269 महिलाओं के अपहरण हो गए, 154 दुष्कर्म हो गए, लेकिन ये सिर्फ झूठ बोलने में आई है। अरे महंगाई में क्या वाकई ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह से जबरन धर्मांतरण कानून लेकर आई, या अगर ध्यान भटकाने के लिए ही लेकर आई तो ये तो खुद ही जनता के बीच जाकर अपने विजन डॉक्यूमेंट में बता रहे थे कि हम ये करेंगे, तो जनता ने इनको चुना ना, तो इसका मतलब जनता भी यही चाहती थी कि नहीं। देखिए, इन लोगों ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में, या पिछली बार जब चुनाव के 3 दिन या 4 दिन पहले धामी जी ने बोला था कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो हम इस कानून को लेकर आएंगे, जनता ने इनको जिताया, हम जनता समझदार है, उत्तराखंड की पूरे देश की जनता समझदार है,
अगर कोई पार्टी जीतती है तो जनता ने उनको जिताया, अगर कोई पार्टी हारती है इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, हम लोग हारे हैं तो हमारी गलतियों की वजह से हारे, मैं स्वीकार करती हूँ कहीं ना कहीं हमें कमियां रही इसलिए जनता ने हमें नहीं चुना। मेरा कहना सिंपल ये है कि पहली कैबिनेट बैठी धामी सरकार की होती है तो प्रदेश के इतने बड़े बड़े मुद्दे छोड़कर देखिए आप युवाओं की आज हमारे प्रदेश में क्या हालत है। यूके ट्रिपल एससी का इतना बड़ा मामला चल रहा है, बताइए 2016 के बाद 2022 में आप चुनाव वो करवा पाते हैं, एग्जाम करवा पाते हैं और वो भी आपका सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, सारी सीटें उसमें बिक जाती हैं और हमारे मुख्यमंत्री सदन में आके उसके बारे में कोई जवाब नहीं देते। अंकिता भंडारी के वीआईपी का जो नाम है वो पूरा प्रदेश पूछ रहा है, हमारे मुख्यमंत्री एक ट्वीट तक नहीं करते, एक बार भी उनकी जवान से कुछ कोई शब्द नहीं निकलता उत्तराखंड की बेटी के लिए और बातें आप करते हैं इतनी बड़ी बड़ी। आम आदमी पार्टी के नेता का नाम आया, क्या कुछ बोले आप, क्या बात करते हैं आपकी पुलिस अभी हटाया गया, राजेंद्र पाल को हटवाओ, राजेंद्र पाल को हटाए, देखिए सबसे बड़ी बात अगर कोई अपने अपनी आपके आपका सवाल वैलिड है उमा जी, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ, एक मिनट आपका सवाल वैलिड है, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ, एक मिनट प्लीज उमा जी एक मिनट, विपिन जी अच्छा आप ठीक है, अच्छी बात है कानून लेकर आए और सख्त करिए, इससे भी ज्यादा सख्त करिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए अगर स्वेच्छा से कोई धर्मांतरण कर रहा है तो क्या वो भी जेल में जाएगा या फिर उस पर फिलहाल? देखिए तिलक भाई अगर जो इस प्रकार की धर्म परिवर्तन की बातें आएंगी, जबरन अगर जो धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो कानून बनाया गया, नहीं जबरन नहीं, अगर स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो एक मिनट उमा जी डिबेट डिरेल हो जाएगी, एक मिनट, ये कानून जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि नहीं हम जबरन वाली बात कर रहे हैं तो ये तो पहले भी था ना विपिन जी? देखिए इस पर देखिए आपने पहले मुझसे सवाल किया था तिलक भाई, इस पर मैंने पिछली बार भी आपके यहाँ पे डिबेट हुई थी तब भी मैंने कहा था कि हरिद्वार के अंदर और कुछ जगह पौड़ी के अंदर इस प्रकार की चीजें आई थी, उस पर मुकदमे पुराने केस में चल रहे, पुराने कानून के अंतर्गत चल रहे हैं, अब उसको नया जो कानून आया उसके अंतर्गत उसको उन पर कार्यवाही की जाएगी और जो नई चीजें आएंगी निश्चित रूप से उन पर सरकार ऐसे होने नहीं देगी। उत्तराखंड के अंदर ज्योग्राफिकल चेंज इस प्रकार से हो रही है और नहीं तो सर आप समझ रहे हैं ये जो बात कह रहे हैं विपिन जी आप, धामी सरकार राम राज्य में अगर ये हो रहा है तो ये तो बड़ी हैरानी की बात है, आपकी सरकार होते हुए धर्मांतरण हो रहा है सर जबरन? पहले के जो केसेस, पहले के केसेस चल रहे हैं, नहीं पहले भी आप ही की सरकार थी सर, नई चीजें आएंगी तो आपके जो नई चीजें सर नई चीजें प्रभु राम की कृपा से आप ही की सरकार थी, कार्यवाही होगी, जनता को मुद्दे से भटकाने की बात करते कहां। अच्छा राजेश चमोली जी ये जब हनुमान जी की चालीसा कर लो तो मुद्दा नहीं भटकाते हो, क्या बात करते हो, हनुमान चालीसा कर लो, राम चालीसा लगा दो, राम और कृष्ण जो है उनके प्रति आस्था, तुम आपका विधायक कह दे की नीचे ये कुछ नहीं है तब आप कुछ नहीं बोलते। चमोली जी चमोली जी कानून बनाए प्रदेश के लिए तो आप उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के मामले हुए कितने हैं आप ये बताइए ना, किसको जबरदस्ती यहाँ पे जबरन धर्मांतरण कराया गया, अगर कोई मर्जी से अपनी स्वेच्छा से मुद्दे बता दिए मैंने, आप क्या सुननी डिबेट में डालेंगे, क्या डिबेट में सुननी थी, हरिद्वार में तीन मुकदमे हैं, पौड़ी में है मुकदमे, आप निकालिए ना सूचना का अधिकार पारित किया हुआ है, आप प्रवक्ता है लगाइए। चमोली जी उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां है, एक मिनट अगर सरकार ये कह रही है कि उसके पास इनपुट है, जब लैंड जिहाद का भी जिक्र हुआ तब भी आपने कहा कि नहीं ये ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और अब इस विषय में भी आप कह रहे हैं ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसे मामलों को सरकार को संजीदगी से लेना चाहिए या फिर नहीं? फाइनल कमेंट जल्दी से तिलक भाई, हमने बिल्कुल किसी बात को इस बात को नकारा कि सरकार ले संजीदा, लेकिन हम कह रहे हैं इस राज्य का श्रम युवा सड़कों पे क्यों है, सड़कों पे इसलिए है कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा 15 से 20 लाख में नौकरियां बेची गई हैं, यूके ट्रिपल एससी में हाकम सिंह पकड़ा गया है और जो मतलब उनपे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं युवा कह रहे हैं, उत्तराखंड की महिलाएं कह रही है अंकिता बंडा हत्याकांड में भाजपा के नेता का पुत्र पकड़ा गया, आपने 3 महीने हो गए उस पर अभी तक जेल में है यार भैया, भाजपा के नेताओं के लिए उसको जेल में डाल रहे आप कार्रवाई कीजिए, चलिए थैंक यू वक्त ना ऐसे नहीं प्लीज राजेश जी विपिन कैंथोला जी उमा जी
आप सबका ऑडियो नीचे। मैं चलते चलते, क्योंकि मसला संतों का भी है और संत समाज इसके बारे में क्या सोच रहा है इस कानून को लेकर, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। चलते चलते कुछ बयानों के साथ छोड़ के जा रहा हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुनिए संत समाज क्या कह रहा है धर्मांतरण के खिलाफ, धामी के धर्मयुद्ध को लेकर। देखिए जरा, मुझे दीदी दादा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।